स्पीकर ओम बिरला कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के दौरे पर तीसरी बार सांसद का चुनाव जीतने के बाद दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बने हैं बिरला। हेलीकॉप्टर से हिंडोली पहुंचेंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। ओम बिरला का हड़ौती में होगा भव्य स्वागत, जिसकी तैयारी की गई है। हिंडोली से लेकर बूंदी, तालेड़ा और कोटा तक भव्य स्वागत उनका होगा। ओम बिरला का संसदीय क्षेत्र में रोड शो के दौरान भव्य स्वागत भी होगा और काफी समय से इसकी तैयारी भी की जा रही थी। एक बार फिर से स्पीकर बनने के बाद ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचेंगे और वहां की जो जनता है इंतजार उनका कर रही है कि कब वो पहुंचेंगे और कब उनका अभिनंदन किया जाएगा। बेहद अहम जिम्मेदारी इस बार भी ओम बिरला को मिली है। एक बार फिर से वो सांसद बने हैं और एक बार फिर से सांसद बनने के बाद दूसरी बार स्पीकर की जिम्मेदारी ओम बिरला को मिली है। हेलीकॉप्टर से हिंडौली पहुंचेंगे ओम बिरला, उनका स्वागत सत्कार होगा। हाड़ौती में भव्य स्वागत की तैयारी है। देखिए, अहम वो तस्वीरें भी रहेंगी क्योंकि ना केवल चुनाव बल्कि चुनाव से पहले, चुनाव के बाद लगातार जनता के बीच वो रहे हैं। खासतौर पर महिलाओं के साथ संवाद जब उन्होंने किया, महिलाओं की समस्याओं को जाना, उनके संबंध में कई कार्य भी उन्होंने किए, कई फैसले भी लिए, टिफिन उनके साथ भी खाया और एक अलग ही जुड़ाव वहां की जनता का ओम बिरला के साथ है। रेजिडेंट एडिटर भवन एस चारण हमारे साथ फोनलाइन पर है। भवर, ओम बिरला पहुंचेंगे हाड़ौती में, भव्य स्वागत की तैयारी है, बताइएगा क्या समय बताया जा रहा है, कब तक पहुंचेंगे और क्या तस्वीरें आपने वहां पर देखी भव्य स्वागत की? देखिए, फिलहाल ओम बिरला का जो हेलीकॉप्टर है वो हिंडोली के राजकीय महाविद्यालय का एसआई हेलीपैड पर लैंड कर चुका है और बड़ी तादाद में जो बीजेपी के नेता हैं, आम जन है, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर उनको रिसीव करने के लिए इस वक्त चल पड़े हैं। प्रभुलाल सैनी हमको नजर आ रहे हैं, हिंडोली से विधायक रह चुके हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वो यहाँ इस वक्त ओम बिरला को रिसीव करने के लिए चल पड़े हैं हेलीपैड पर। और इसके अलावा बड़ी तादाद में जो स्थानीय बीजेपी के नेता हैं, जिलाध्यक्ष हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, संगठन के पदाधिकारी हैं, एक बड़ा लवाजमा है कार्यकर्ताओं का जो कि यहाँ पर आज ओम बिरला को वेलकम करने के लिए पहुंचा है। और जाहिर तौर पर स्पीकर बनने के बाद पहली बार ऐसा मौका है जब कोटा पहुंच रहे हैं ओम बिरला, तो बहुत बड़ा दिन कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र की जनता के लिए। और इस दिन को आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से सेलिब्रेट करने के लिए बड़ी तादाद में कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र की जो जनता है वो इस वक्त यहाँ हेलीपैड पर जुटी है। करीब करीब सारे बीजेपी के जो प्रमुख नेता हैं कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के, वो इस वक्त यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और वो मौका है जब ओम बिरला इस वक्त हेलीकॉप्टर से बाहर आने वाले हैं, उनके साथ उनका परिवार भी दिल्ली से आया है और उनकी पत्नी अमिता बिरला भी हेलीकॉप्टर में नजर आ रही है। साथ ही कैमरामैन आकाशदीप आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं जहां इस वक्त बिरला हेलीकॉप्टर से बाहर आ रहे हैं और हेलीपैड पर एक बड़ी तादाद है इस वक्त बीजेपी वर्कर्स की, बीजेपी के नेताओं की, मंत्री यहाँ पे प्रदेश सरकार के मौजूद है। हीरालाल नागर इस वक्त आगे बढ़ करके उनका स्वागत कर रहे हैं, ऊर्जा मंत्री उनके स्वागत के पूरे कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर है। प्रभुलाल सैनी ने यहाँ पर उनका वेलकम किया है, पुलिस प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है जी। और देखिए, जिस दिन की बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी, बहुत दिनों से इंतजार हो रहा था, वो घड़ी इस वक्त आ गई है जब ओम बिरला हेलीपैड पर पहुंच गए हैं और हिंडोली से उनका जो पूरा का पूरा आज कारवां चलने वाला है। बिल्कुल, एक तरह से बिल्कुल भवर, और यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि यह होड़ सी मची हुई है बुके भेंट करने की, क्योंकि एक के बाद एक जो भी आ रहा है बुके भेंट उन्हें कर रहा है और यही जताता है ओम बिरला के प्रति वहाँ की जनता का स्नेह। जाहिर तौर पर उसमें कोई शक नहीं है, ओम बिरला के प्रति जो स्नेह है वो जताता है ये पूरा का पूरा नजारा। और इस वक्त ओम बिरला इस वक्त उनका जो वेलकम हो रहा है, उस वेलकम को इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं, उस वेलकम को स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। और यूट्यूब पर जैसा बताना चाहता हूँ लगातार मौजूद है और इस वक्त लगातार जो कार्यकर्ता है वो पहुंच रहे हैं और ओम बिरला के लगातार आपको अमिता बिरला से जोड़ने की कोशिश करता हूँ। ओम बिरला की पत्नी अमिता जी नमस्कार, बहुत बड़ा दिन, बिरला जी आ रहे हैं, स्पीकर बन के आए हैं, बिरला जी आए हैं और स्पीकर बन के आए हैं। भरोसा था कि एमपी बन के दिल्ली जाएंगे, स्पीकर बन के वापस आएंगे अमिता जी? इसके लिए क्या बोलूं, भरोसा हमेशा ओम जी को ऊंचा उठता ही देखने की इच्छा रहती है। वो जो भी करते, जो भी नेतृत्व का डिसीजन होता है वो सब हमको स्वीकार्य था
पर ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि उन्हें पुनः वो पद दिया गया और उन्हें पुनः उस पर विश्वास किया गया। आज सवेरे से लेकर शाम तक लगातार कोटा से बूंदी तक गेट्स लगे हुए हैं, पूरी जनता सड़कों पर है, आप साथ चलने वाली है उनके? हाँ, मैं इसीलिए आई हूँ साथ में, क्योंकि जब खुशी के मौके में भी साथ जरूर रहना चाहिए। उनके अर्धांगिनी तो उनके हर समय साथ रहने का पूरा मौका। हीरालाल नागर ऊर्जा मंत्री है, इस पूरे कार्यक्रम के स्वागत कार्यक्रम के संयोजक हैं। हीरालाल जी, वो दिन आ गया, आपकी बहुत समय से तैयारियां हो रही थी, तैयारियां मुकम्मल हुई, बिरला जी पहुंच गए, आप क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, आज पूरे दिन एक खुशनुमा माहौल है, मौसम भी अच्छा है, और पूरे दिन उनके स्वागत के लिए जो कार्यकर्ता आतुर है वो आज लगातार और निरंतर, मैं कहता हूँ 10 बजे से जो ये 10:30 से शुरू हुआ है, ये रात को 11 से 12 बजे तक ही ये स्वागत का द्वार चलने वाला है, और ये निरंतर स्वागत हर किलोमीटर पर, हर कस्बे में और हर गांव में होने वाला है। इससे निश्चित रूप से पूरे लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता आज यहाँ हिंडोली से लगा के बूंदी और कोटा तक जुटने वाले हैं, और दूर दूर तक भी कार्यकर्ता आए हैं, और उन्होंने अपने अपने विधानसभा, अपने अपने मंडल के हिसाब से कार्यकर्ताओं ने तैयारियाँ की है, सभी विभागों ने तैयारियाँ की है, अलग अलग जो सामाजिक संस्थान हैं, अलग अलग अपने प्रतिष्ठान हैं, वो सब इसमें लगे हुए हैं। चलिए तो देखिए, बहुत सारे सामाजिक प्रतिष्ठान संस्थान लगे, इस वक्त देखिए गार्ड ऑफ ऑनर सलामी दी जा रही है हेलीपैड हिंडोली पर, इस वक्त यहाँ पे ओम बिरला सलामी स्वीकार करते हुए। होने वाला है तो एक तरह से जो रोड शो का आगाज है वो हिंडोली से होगा, और ओम बिरला इस वक्त गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी स्वीकार करते हुए हिंडोली हेलीपैड से। बिरला साहब, बहुत बड़ा दिन आज, बहुत बड़ी तादाद में जनता जुटी है। कोटा बूंदी की जनता का प्यार है, और यही हमने अपने सामाजिक राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है। इनके आशीर्वाद से हमें सब कुछ मिला है। हमारी कोशिश है कि इनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को हम पूरा कर सकें। ओम बिरला अपने पॉलिटिकल करियर के पीक पर हैं, शीर्ष पर हैं कह सकते हैं? देखिए, हम कार्यकर्ता हैं, और एक कार्यकर्ता के नाते जो भी जिम्मेदारी होती वो निभाते हैं। बिरला साहब, प्रोडक्टिविटी से लेकर हर मायने में आपका पहला कार्यकाल बतौर स्पीकर लैंडमार्क रहा है, दूसरे कार्यकाल में क्या टारगेट सेट किए हैं ओम बिरला? कोशिश करेंगे कि लोकतंत्र और सुदृढ़ मजबूत हो सर, और लोग जो चुनकर आते हैं उनकी अपेक्षाएं आकांक्षाएं सदन में रखें, और उनकी अपेक्षा आकांक्षा पूरी हो, ऐसा सदन के माध्यम से प्रयास होता है। आखिरी सवाल बिरला साहब, आपको आज 16 घंटे लगने वाले हैं 80 किलोमीटर में, बहुत बड़ा दिन रहने वाला है, लेंथी दिन रहने वाला है। अब 16 घंटे 14 घंटे का तो नहीं, लेकिन प्रयास करेंगे सब लोगों से मिलने का। सब लोगों से मिलने मिलाने का जो उत्साह है वो इस वक्त ओम बिरला के चेहरे पर नजर आ रहा है। हिंडोली हेलीपैड पर इस वक्त लोकसभा स्पीकर ओम बिरला है, दूसरी बार स्पीकर बने हैं, तीसरी बार कोटा से लगातार एमपी बने, इतिहास रचा है ओम बिरला ने, और आज कोटा में जिस तरह से उनका वेलकम होने वाला है, जिस ऐतिहासिक वेलकम की इस वक्त तैयारियां हम कोटा बूंदी की सड़कों पर देख रहे हैं, शहरों में देख रहे हैं, कस्बों में देख रहे हैं, सब आज रिकॉर्ड तोड़ होने वाला, अभूतपूर्व होने वाला है, और ऐसा होने वाला है जैसा वेलकम आज से पहले शायद कोटा में किसी नेता का हुआ नहीं होगा, क्योंकि ओम बिरला ने इतिहास दर्ज कर दिया है लगातार।